देखो मूल सब्जेक्ट यह है कि जरांगे पाटिल और मुख्यमंत्री में जो बातें हुई ये सब व्यवस्था में, पहले मुख्यमंत्री ने उसको जाहिर करना चाहिए कि क्या बातें हो रही है। अगर ये बातें अगर जाहिर हो जाए तो उसमें का बहुत सारे प्रश्न के उत्तर अपने आप आएंगे। पटल पे रखना चाहिए, नहीं नहीं बताना चाहिए, सदन में बताना चाहिए। और मुख्यमंत्री बार बार छुपा रहे हैं, आखिर क्या बातें हुई, क्यों छुपा रहे हैं, स्पष्टता आना चाहिए। और हम जरांगे पाटिल से क्या उनकी बातें हुई, हम जरांगे पाटिल से हम पूछने का कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि कुछ तो भी बात छुपाई जा रही है। जो वादा उन लोगों से किया था, वो आंदोलन किसने करवाया था, फडणवीस ने खुद कहा कि मैंने सौम्य लाठीचार्ज के आदेश दिए थे, तो ये लाठीचार्ज क्यों करवाया गया था, ये सब चीजों को खुलासा होना चाहिए। और जो जरांगे पाटिल के माध्यम से जो अब पूरी भूमिका हो रही है, और महाराष्ट्र अभी भी चल रहा है, हमने तो शुरुआत में ही कहा था सरकार को कि आप पहले ये महाराष्ट्र जो जलाया जा रहा है इसको पहले रोका जाए, लेकिन सरकार ने रोका नहीं, तो इसलिए सरकार से स्पष्टता होना चाहिए। मां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जानने में बनी हुई है, बगैर हमने देखा कि कुछ वायलेंस की घटना हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदारी है। महाराष्ट्र ऐसी परिस्थिति है कि आज महाराष्ट्र जलाने का काम राज्य की सरकार खुद कर रही है, ऐसा हमारा आक्षेप है। जरांगे पाटिल जिस तरह से जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, लगातार पलट जा रहे हैं, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं छगन भुजबल, कहीं ना कहीं उनके पीछे कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड शक्ति लगती है? सरकारी जवाबदार है, सरकार ने जवाब देना चाहिए। जरांगे पाटिल और मुख्यमंत्री से क्या बातें हुई वो जाहिर करना चाहिए, मुख्यमंत्री ने यही मांगा।